साथियों नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीता है और आप सबका कविता बोल पर स्वागत है। आज जो कविता हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये आज नहीं लिखी गई है, आज से 5 साल पहले लिखी गई थी और ऐसा लगता है कि हमारे देश और समाज में अपनी सुपेरियोरिटी कायम रखने के लिए महिलाओं को एक सोशियो पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किए जाने की प्रथा है जो कि बहुत ही खतरनाक है और हमें दिख रहा है ये धीरे धीरे कितना खतरनाक होते हुए जा रहा है। हमें इस पैट्रियार्कल सोच को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो कविता के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कविता को लिखा है ईप्सा सताक्षी ने और कविता का शीर्षक है स्त्रियाँ। कविता बोल के लिए ये कविता पढ़ रही है खुद ईप्सा, आइए सुनते हैं। मैं ईप्सा शताक्षी अपनी एक कविता स्त्रियों के साथ। क्या स्त्रियों को त्याग कर ही महान बना जा सकता है? क्या स्त्रियों को त्याग कर ही महान बना जा सकता है? गौतम बुद्ध ने त्याग किया अपनी पत्नी का, छोड़ दिया उसे अकेली सोती रात में, तब जाकर प्राप्त किया ज्ञान। राम ने त्यागा अपनी प्रियतमा सीता को, तब जाकर कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों समझा जाता रहा है रोड़ा? क्यों समझा जाता रहा है रोड़ा स्त्रियों को अपनी मंजिल का? क्या नहीं बन सकता कोई महान एक स्त्री के साथ चलकर? क्या नहीं पा सकता कोई अपनी मंजिल एक स्त्री का साथ पाकर? कब समझेगा हमारा समाज? कब समझेगा हमारा समाज और कब समझेंगे प्रगतिशीलता और स्त्रियों की वकालत का डंका पीटने वाले ये लोग कि एक स्त्री दुख का कारण और रास्ते के पत्थर से आगे कुछ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कविताएं पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप खुद कविता लिखते हैं या किसी और की कविता पढ़ना चाहते हैं कविता बोल पर, हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।